तो भैया कहाँ से हो आप? मैं दार्जिलिंग से। तो भैया दार्जिलिंग से। तो सो गाइस, जानते हैं भैया से, ये यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ बड़ दुबई में, बैंक स्ट्रीट के पास। तो सो गाइस, आप देख सकते हो ये सामने जो है रूम्स बना रखे हैं, और इसके अंदर जाते हैं जैसे ही तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन आ जाते हैं, छोटे छोटे रूम बना रखे हैं अंदर। तो आइए चलते हैं, हम यहीं रह रहे हैं। तो ये है 507। तो आपको अंदर से दिखाऊंगा। इसमें शेयरिंग में होता है किचन और बाथरूम और टॉयलेट, और रूम सबका सेपरेट होता है। तो आप देख सकते हो ये बाथरूम है। तो यहाँ पे बेसिकली तीन बाथरूम है। तो एक बाथरूम ये हो गया, और ये आपका हो गया किचन स्पेस। तो आप यहाँ पे कुक कर सकते हो गाइस, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन भी दे रखी है, और यहाँ पे देख सकते हो सभी ने अपना अपना मतलब कबर्ड ले रखा है और उसके अंदर स्टोर कर रखा है। और किचन भी काफ़ी बड़ा है गाइस, शेयरिंग में मिलता है आपको किचन पार्टीशंस में। और ये यहाँ पे आपका दूसरा बाथरूम है, तो देख सकते हो गाइस ये दो बाथरूम हो गए। और अभी आपको मैं तीसरा ले चलता हूँ। तो ये हमारे भैया हैं, ये यहीं रहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा। अच्छा भैया, कहाँ से हो आप? दार्जिलिंग से। तो भैया दार्जिलिंग से। तो भैया एक बार बताना चाहोगे कि पार्टीशन रूम का क्या सीन है यहाँ पे, मतलब दुबई में? दुबई में सब बढ़िया है, अच्छा है। मतलब ये वाला मुझे बढ़िया लगा जो ये ओरिएंटल हाउस के नाम से है पार्टीशन। तो भैया आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए? मैं 4 साल हो गया। 4 साल? हाँ, 4 साल हो गए। तो भाई ये ऐसा ऐसा है, तो आपको मतलब सही लग रहा है, मतलब रूम वगैरह सही है, बढ़िया एसी वेसी सारी सर्विस है अब इंक्लूड, पानी बिजली सब चीज है, उसी में कटेगा। तो उसी में कटेगा। तो भैया देख सकते हो भैया अभी 4 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, ये भी यही जॉब करते हैं। आप यही जॉब करते होंगे? तो ज्यादातर मैंने देखा गाइस इसी बिल्डिंग में यहाँ बहुत सारे लोग हैं, वर्कर्स हैं जो यही जॉब करते हैं और यही रहते हैं। तो अभी आपको रूम दिखाता हूँ अंदर से, चलो। सो गाइस यहाँ पे आपको ये वाईफाई लगा हुआ है, सो फ्री वाईफाई की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे लॉबी है देख सकते हो, और यहाँ पे पार्टीशंस कर रखा है रूम का। तो ये देख सकते हो गाइस, ये है हमारा रूम, और आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हो गाइस इतना रूम का साइज होता है। इतना सफिशिएंट है अगर आप आ रहे हो एक मंथ के वीज़ा पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप रह सकते हो। ये मैं बेडशीट वगैरह, मैं जो है ब्लैंकेट और बेडशीट मैं घर से लेके आया था। तो गाइस यहाँ पे आपको कबर्ड मिल जाता है स्टोर करने के लिए, तो आप यहाँ पे कुछ भी अपना सामान वगैरह स्टोर कर सकते हो, और नीचे भी। तो ऐसा सीन है गाइस, और यहाँ आपको पीछे आप हुक है तो अपने क्लोथ्स वगैरह हैंग कर सकते हो, और ऊपर मैंने सामान रखा हुआ है। तो कुछ इस टाइप का रूम है देख सकते हो गाइस। सो ऊपर आपको यहाँ पे डक्ट एसी मिल जाता है, मैंने अभी बंद करा रखा गाइस क्योंकि ठंड बहुत लग रही है यहाँ पे, क्योंकि अभी जो मौसम है दुबई में काफ़ी स्टेबल है, तो ज़रूरत नहीं है एसी की, बट कुछ लोगों को ज़रूरत होती है तो इसलिए है, तो इसलिए मैंने टेप लगवा रखा है यहाँ पे। तो ऐसा सा रूम है आप देख सकते हो। तो ये गाइस मुझे जो रूम पड़ा है वो पड़ा है 1000 दिरहम का, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप लगा लीजिए 23,000, और 500 दिरहम जो है गाइस इसमें सिक्योरिटी गई है जो कि रिफंडेबल है जब मैं लास्ट दिन जाऊंगा यहाँ से, तो 10 दिन के बाद मिल जाता है। और आइए आपको मैं बालकनी में ले जाता हूँ कि यहाँ पे लोग कैसे जो है कपड़े सुखाते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो है ऐसे लोगों ने कपड़े सुखा रखे हैं, तो सारे शेयरिंग में रहते हैं। तो ऐसा सीन है कि अगर आप कम पैसों में चाहते हो कि बढ़िया से रहना, तो आई थिंक पार्टीशन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइस। तो ये ऐसा कुछ सीन है। तो ये देख सकते हो गाइस ये बाहर का जो लॉबी है, और यहाँ से जो है आप जा सकते हो नीचे, यहाँ आपको लिफ्ट दे रखी है तीन तीन, तो भी हम नीचे चलेंगे। सो ऐसा है, आई होप आपको पसंद आया होगा। और हाँ गाइस, आपको यहाँ पे पानी की बोतल लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे डिलीवरी हो जाती है पानी की, आप कॉल कीजिएगा नंबर से नीचे, रिसेप्शन से होटल वाला आएगा और आपको वाटर बोतल दे जाएगा। तो वाटर बोतल का रेट है 5 दिरहम और 8 दिरहम। 8 दिरहम में आपको बड़ी बोतल मिल जाती है जैसे कि मेरे रूम में पड़ी हुई थी। तो अभी लिफ्ट आई नहीं है, कहाँ रह गई। तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा ये यहाँ पे, ये देख सकते हो गाइस काफ़ी अच्छा सा होटल है ये।
और देख सकते हो गाइस बाहर का जो व्यू है काफ़ी क्लासी है, मतलब धूप बहुत अच्छी लगी है और यहाँ पे शाम के टाइम बच्चे जो हैं क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। और ये यहाँ पे आपको छोटा सा कैफेटेरिया मिल जाता है गाइस, आप छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो। और पीछे बहुत सारे यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। और ये आपका सुपर मार्केट है अलमाया का, सो गाइस यहाँ पे आप शॉप कर सकते हो कुछ भी, अगर आपको जैसे लेना है मैगी वगैरह या फिर कुछ भी छोटी मोटी चीज़ देनी है तो आप यहाँ परचेज़ कर सकते हो, या कुछ भी आपको लेना है जैसे हमारे इंडिया में बिग बाज़ार होते हैं वैसे ये यहाँ पे अलमाया करके स्टोर है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टोर हैं अलग अलग, तो आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल मेन मार्केट में मतलब यहाँ पे जो है होटल लिया है, तो ऐसा है। और नियर बाय मेट्रो स्टेशन यहाँ पे शरफ डीजी है जो आप जहाँ से जा सकते हो, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, मतलब यहाँ से आधा किलोमीटर है स्ट्रेट चले जाओ। तो गाइज ऐसा है कुछ दुबई का रहन सहन अगर आपको सस्ते होटल्स चाहिए। वैसे तो गाइज यहाँ पे 10-10 हज़ार रुपये भी लेते हैं एक एक रात के होटल के, बट मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप आ रहे हो वीज़ा पे घूमने के लिए, विजिट वीज़ा पे, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू शुड गो फॉर। सो गाइज जानते हैं भैया से, ये यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ बड़ दुबई में बैंक स्ट्रीट के पास, तो भैया एक बार आप बता दीजिए वो रूम्स वगैरह और ये एड्रेस बता दीजिए, लोकेशन क्या क्या है। अच्छा, अलमाया सुपर मार्केट, लेकिन बिल्डिंग का नाम है ओरिएंटल हाउस मान। अच्छा, ये बुर्जमान और अल फहदी मेट्रो स्टेशन एग्जिट 4 लेंगे तो बैक स्ट्रीट पे। तो भैया ये बताओ यहाँ पे पार्टीशंस के अलावा क्या क्या मिल जाएगा? इसमें रूम भी होते हैं, पार्टीशन है, बैचलर शेयरिंग बिल्डिंग है, लो प्राइस है, अच्छा है, यानी कि सो गाइस देख सकते हो, मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस, सबको बता रहा हूँ मैं रहा, मतलब ठीक है, अच्छा लगा, मतलब वर्थ है रहना। और आप आ सकते हो, भैया का कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये वाले दे दो ना, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी छोड़ो, तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कर सकते हो कॉल और आ सकते हो यहाँ पे रहना। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।